देख तेरे दौलपुर की हालत कैसी हो गई है भगवान। आस्था पर भारी अव्यवस्थाएं, जलमग्न हुआ शनिदेव मंदिर, पूजा पाठ व दर्शनों के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। देख तेरे दौलपुर की हालत कैसी हो गई है भगवान। शायद ये पंक्तियां दौलपुर शहर के कुछ हालातों को लेकर सटीक बैठती हैं, जहां हुई बरसात के बाद आज भी जलमग्न कॉलोनियां, मोहल्ले और उनमें रहने वाले लोग इतने परेशान हैं कि किसी को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना पा रहे हैं। वहीं इन पंक्तियों को लेकर दौलपुर शहर के हुंडावार रोड नर्सरी स्थित भगवान शनिदेव के मंदिर की भी यही हालत है। आस्था का यह मंदिर आज विगत कई दिनों से बिना भक्तों के सूना सूना नजर आता है। वैसे तो शनिदेव मंदिर में हर रोज पूजा पाठ होती ही थी, लेकिन प्रत्येक शनिवार को मंदिर पर भक्तजनों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, जो अब नहीं है। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर भी ताले लगा दिए गए हैं। इन सब का कारण भगवान शनिदेव का मंदिर पूरा जलमग्न है। मंदिर के चारों ओर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जहां तक जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि परिसर में पानी भरने से कीड़े मकोड़ों का निकलना आसानी से देखा जा सकता है। अब तो मंदिर के पुजारी भी वहां पूजा पाठ करने नहीं जा पा रहे हैं। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के चारों ओर इतना पानी भरा हुआ है कि कुछ पूछो मत। आस्था का यह मंदिर विगत कई दिनों से बिना भक्तजनों के सुनसान नजर आ रहा है। पुजारी ने भी हालातों को देखते हुए मंदिर के गेटों पर ताले लगा दिए हैं। उनके परिजनों ने बताया कि मंदिर के चारों ओर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी वहां पूजा पाठ करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चारों ओर जहां तक आपकी निगाह जाएगी पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ तक के शनिदेव मंदिर के मुख्य द्वार पर भी पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पंक्तियां सटीक बैठती हैं। आज कैसी हालत हो गई है और प्रशासन के पास इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। फर्स्ट एक के संवाददाता ने खुद घुटने घुटने पानी में जाकर शनिदेव महाराज के दर्शन करते हुए उनके मंदिर के हालातों की तस्वीर आप तक पहुँचाई है, जो सच में अभी जोखिम भरा है। इसके साथ ही आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। कई कॉलोनियां जो विगत कई दिनों से जलमग्न हैं, उनमें रहने वाले लोग आज भी अपने घरों में कैद हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो पलायन भी कर चुके हैं। कॉलोनियों में अब धीरे धीरे बीमारियां भी दस्तक देने लगी हैं। आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग कमर तक के पानी में होकर आवागमन कर रहे हैं और किस दर्द से गुजर रहे होंगे। आप लोग समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, हम ज्यादा क्या कहें, बस यही कह सकते हैं, देख तेरे दौलपुर की हालत कैसी हो गई है भगवान। पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है सही मंदिर पे। इधर भजन आ रहे हैं पूजा करने के लिए, गेट बंद डाला हुआ है बहुत दिन से। पानी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कृपया करके इस पानी की व्यवस्था करें। भजन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, पूजा की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। इधर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरी नर्सरी में पानी भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो यार परेशानी है सैनम मंदिर पे, उधर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। देखो घोटू घोटू तो पानी भरा हुआ है। हाथों में लगी हथकड़ी के साथ ट्रेन से कूदकर भागा छात्र कैदी गिरफ्तार। मुरैना कोर्ट में पेशी के बाद लाया जा रहा था धौलपुर। मुरैना सहित धौलपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं 21 प्रकरण। विगत 31 अगस्त को धौलपुर जिला जेल में निरुद्ध एक छात्र कैदी को मुरैना कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, जहां से पेशी के बाद कैदी को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से धौलपुर लाया जा रहा था। लेकिन कैदी मौका पाकर रास्ते में ही सराचुला क्षेत्र में टॉयलेट का बहाना बनाकर चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया। उस समय उसके हाथों में हथकड़ी भी लगी हुई थी। उस समय पुलिस आरक्षकों ने ट्रेन को रुकवाकर काफी तलाश किया, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर सराचुला थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। तभी से पुलिस छात्र कैदी की तलाश कर रही थी। सराचुला थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि शनिवार 16 सितंबर को चम्मल नाका अल्लावेली चौकी पर चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि पेशी के बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर भागा हुआ कैदी धौलपुर के पुराने चम्मल पुल के पास देखा गया है। इस पर जाल बिछाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आरोपी छात्र किस्म का एक चोर है, जिसके विरुद्ध धौलपुर शहर के कोतवाली सदर, निहालगंज थाना सहित कंचनपुर, मनिया, सैंपू आदि थानों में चोरी, मारपीट, हत्या का प्रयास जैसी धाराओं में 18 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं जिला मुरैना के सिविल लाइन थाने में चोरी के 2 प्रकरण तथा सरायचोला थाने में 1 प्रकरण दर्ज है, जिसे पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, धौलपुर जिले के अलहेपुरा गांव की घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के अलहेपुरा गांव में शनिवार देर शाम अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या कर लिए जाने के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां रविवार सुबह परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द कर दिया।
धौलपुर के सदर थाना प्रभारी शिवदास मीणा ने बताया कि 32 वर्षीय युवक सुनील पुत्र शिवराम जाटव निवासी अल्हेपुरा के परिजनों ने पुलिस को आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। परिजनों के अनुसार युवक शनिवार देर शाम अपने कमरे में चला गया और पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब युवक को खाना खाने के लिए आवाज दी तो उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर कमरे को खोलकर देखा गया, तब परिजनों को युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। कल शाम को 6 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील है अलीपुरा गांव में फंस गया है। जहाँ पर है कौन सा वहाँ से डेड बॉडी मिली के बहुत भी उठाया गया। आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस समय में मरीज दर्ज है, जांच में दवा की जा रही है। कंटेनर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठी एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक युवक भी घायल हो गया। पुलिस ने शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मनिया थाने के ASI गिरवर सिंह ने बताया कि डोली देवी पत्नी गजेंद्र उम्र करीब 40 साल निवासी कच्चापुरा थाना दिमनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश अपने छोटे भाई चंद्र प्रकाश के साथ बाइक पर सवार होकर आगरा से अपने गांव जा रही थी। इस दौरान रास्ते में मनिया क्षेत्र में फौजी ढाबा के पास पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार डोली देवी एवं चंद्र प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर घायलों को मनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने डोली देवी पत्नी गजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना स्थल से कंटेनर चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर में अब गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से आधुनिक मशीनों से कराएं अपने दांतों का उचित इलाज। परामर्श शुल्क में 50% तक की छूट, उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सफाई एवं पॉलिशिंग, पायरिया का इलाज, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, हड्डी गल जाना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, बच्चों के दांतों में किसी भी तरह की समस्या, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल एक्सरे, रूट केनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों की बत्तीसी, दांतों के कैप एवं ब्रिज आदि। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होने पर एक बार जरूर परामर्श ले। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल, PDS, MDS, दंत रोग विशेषज्ञ। पता, रिनी अस्पताल, जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत। सांसद मनोज राजौरिया, रक्तदान महादान कार्यक्रम आयोजित कर मनाया PM का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के माध्यम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुड़ैया के द्वारा सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के ब्लड बैंक में रक्तदान महादान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने की। सांसद मनोज राजौरिया ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान करते हुए ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात कही। इसके बाद सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में सांसद मनोज राजौरिया ने वृद्धजन वार्ड में मरीजों को फलों का वितरण कर कुशलक्षेम जानी पूछी। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के द्वारा पूरे जिले भर में मोदी के 73वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन के हर पल को भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित किया है। हम सभी को प्रधानमंत्री से कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए सदैव राष्ट्र सेवा के पद पर अग्रसर रहने का भाव जागृत होता है।
सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत देश दुनिया में फिर से विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बिसम्बर दयाल शर्मा, अनिल गोयल, अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, विशाल सिंगल, राजू गुर्जर, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, बॉबी परमार, नवीन तिवारी, हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, कुलदीप शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, योगेश जादौन आदि मौजूद रहे। धौलपुर पहुंचे अहिल्याबाई कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। बघेल समाज के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल का किया स्वागत। अहिल्याबाई कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल निजी कार्यक्रम में शनिवार को धौलपुर पहुंचे। इस दौरान पाल बघेल गडरिया समाज के लोगों द्वारा गडरपुरा चौराहे पर स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री पाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर के नाम से अति शीघ्र अहिल्याबाई कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश बना दिया और उसका अध्यक्ष भी बना दिया, ठीक उसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन कर दिया है, लेकिन उसके अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। इस दौरान मध्य प्रदेश धनगर सैफड महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र निगौते, डॉक्टर प्रकाश बघेल, युवा जिला अध्यक्ष सुरेश बघेला, सत्येंद्र पाल बघेल, राधेश्याम राठौर, किशन सिंह, सुनील, कृष्ण, पंकज, रमेश आदि मौजूद रहे। अहिल्याबाई कल्याण बोर्ड समाज में एक नई दिशा और दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इस बोर्ड के माध्यम से हमारे जो निर्धन छात्र हैं उनकी मदद करेंगे, और जो पढ़ाई के लिए जिनको कहीं सुविधा नहीं मिल पाती किसी प्रकार का, तो हमारा बोर्ड के माध्यम से हम उनको पैसे से भी, किताबों से, जिस टाइप से रहने की व्यवस्था से सारी मदद करेंगे। राजस्थान सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी हमारा कल्याण बोर्ड तो गठित हो गया है पर यहाँ सरकार ने अभी अध्यक्ष नहीं बनाया, तो मेरा आग्रह है कि यहाँ भी जल्दी अध्यक्ष बनाया जाए और हमारी सरकार का बोर्ड संचालित किया जाए। यात्री अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं जनरल टिकट। UTS ऑन मोबाइल ऐप यात्रियों के बीच हो रहा लोकप्रिय, अब नहीं लगना पड़ेगा लंबी कतारों में। आगरा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन जनरल रेल टिकट बुकिंग के लिए UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई है। रेल टिकट लेने का यह साधन अब रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय होने लगा है। कई लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ऐप से रेल टिकट बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। आगरा रेल मंडल में अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक 5,05,000 से अधिक यात्रियों ने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को 1,41,00,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा UTS ऑन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। UTS ऑन मोबाइल ऐप शुरू करने का मकसद डिजिटल टिकटिंग मोड को प्रोत्साहित करना, सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देना और यह भी सुनिश्चित करना कि यात्री कतारों की परेशानी का सामना किए बिना आसानी से टिकट खरीद सकें। यह चलते फिरते टिकट खरीदने का एक सुविधाजनक तरीका है और तकनीक प्रेमी यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय टिकटिंग मोड है। इस UTS ऑन मोबाइल ऐप से अगस्त माह में आगरा रेलवे स्टेशन पर 18,952 यात्रियों ने उपयोग किया, जिससे रेलवे को 7,71,245 रुपए का राजस्व हुआ। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 55,445 यात्रियों ने उपयोग किया, जिससे रेलवे को 13,29,040 रुपए का राजस्व एवं धौलपुर रेलवे स्टेशन पर 6,516 यात्रियों ने उपयोग किया, जिससे रेलवे को 1,11,720 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि आपका मोबाइल ही आपका टिकट है। मोबाइल ऑफलाइन मोड में होने पर भी टिकट दर्शाया जा सकता है। त्वरित टिकट बुकिंग कर सकते हैं और लंबी कतार से बचें एवं समय की बचत भी कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टेशन से 30 मीटर तथा अधिकतम 20 किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक किए जा सकते हैं। पेपर की बचत के साथ गो पेपरलेस गो कैशलेस ऐप द्वारा तनाव रहित टिकट बुक कर सकते हैं। इसके उपयोग और लंबी कतारों की परेशानी से बचने के लिए गूगल प्ले स्टोर, विंडो स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर UTS नाम से ऐप उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर साइन अप करें। रेलवे विभाग ने जनरल टिकट को लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे मोबाइल टिकटिंग ऐप पर UTS के उपयोग को बढ़ावा दें और उपयोग से जुड़े हितों का लाभ उठाएं। कलेक्टर और SP ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लोगों से की भयमुक्त मतदान करने की अपील।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पिछले कई दिनों से क्रिटिकल एवं वर्न लेवल मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को मैच आपते के धौलपुर शहर एवं राजाखेड़ा मार्ग के क्रिटिकल एवं वर्न लेवल मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर BLO से निर्वाचन नामावली में अद्यतन किए गए फॉर्म 6, 7, 8 की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी BLO को 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों से फॉर्म 6 भरवाने, 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग मतदाताओं के नाम चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले महिला विद्या मंदिर एटायपाड़ा परिसर स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर रैंप की ढाल एवं टॉयलेट को ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने BLO को मतदान कक्ष के बाहर साइनेज की व्यवस्था ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम तलासी स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर मतदान केंद्र की 4 दीवारी ठीक कराने के निर्देश दिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी कोतवाली क्री परिसर स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पर मतदान केंद्र की खिड़की एवं रैंप की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। राजकीय प्राथमिक मेहतपुर का निरीक्षण करने पर उन्होंने फॉर्म 6, 7, 8 के कार्य के बारे में जानकारी ली। वहीं ऋषि गालव उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। मतदान केंद्रों के निरीक्षण क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाणा स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने एवं BLO कार्य में प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटोली स्थित 120 एवं 121 संख्या मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पर फॉर्म 6 भरवाने के कार्य की तीव्रता लाने एवं दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हीकरण के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर का निरीक्षण करने पर BLO कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली एवं मतदान केंद्र की दीवार को ठीक कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संवेदनशीलता की दृष्टि से गांव के लोगों से बात की। ग्रामवासियों ने निर्वाचन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना बताया। इसके बाद उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शादिकपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 126-127 का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां BLO से बात कर आवश्यक जानकारी ली। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अलग से जाप्ता लगाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव सहित प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी साथ रहे। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं, अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहां RAS, रीट लेवल, फर्स्ट एवं सेकंड में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। UP पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री, पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। बालाजी हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कॉपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हार्निया आदि का उपचार किया जाता है। BP, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जाँच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, MBBS, MD फिजिशियन, डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा, डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो, पता सिटी जुबली हॉल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। केक काटकर एवं प्रभु जनों को खाना खिलाकर मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। बाड़ी में विष्णु सिंगल सनोरा बालों ने आयोजित किया कार्यक्रम। भारत देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, पूरे विश्व भर में भारत का परचम लहराने वाले, भारत देश का सुनहरा भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले,
हाल ही G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करके पूरी दुनिया के आगे भारत को ऊपर तक ले जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन अपना घर आश्रम तुलसीवन रोड बाड़ी में मनाया गया। धौलपुर जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा विष्णु सिंगल सनौरा बालों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अपना घर आश्रम तुलसीवन रोड बाड़ी पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा धौलपुर सत्येंद्र पाराशर उपस्थित रहे। विष्णु सिंगल ने सांसद और भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर का माला व गुलदस्ता भेंट करके हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन किया। सांसद राजौरिया ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्म से लेकर अब तक के सफर का रोचक वर्णन किया और बताया कि कैसे मोदी ने चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। सांसद ने अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभुजियों से मुलाकात की और सांसद निधि से अपना घर आश्रम के लिए 10 लाख रुपए भेंट करने की बात कही। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा और इस कार्यक्रम के सरसंघ चालक विष्णु सिंगल सनौरा बालों ने सभी प्रभुजियों को नमस्कार करके और भारत माता की जय बोल के बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सफर और दौर तय किया। सिंगल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे स्वाभिमानी नेता हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोविड-19 काल का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बुरे दौर से भारत के लोगों को बचाया और कैसे उन्हें उनके घर तक भेजा। सिंगल ने अपना घर आश्रम में रह रहे सभी प्रभुजियों को भगवान के समान बताया और कहा कि मेरी ईश्वर से कामना है कि अपना घर ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो सभी प्रभुजियों की घर की तरह देखभाल करती है। अंत में विष्णु सिंगल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम के बाद भगवान के समान सभी प्रभुजियों को विष्णु सिंगल व उनकी धर्मपत्नी रेणु सिंगल और सिंगल की भाजपा टीम ने अपने हाथों से परोसकर सभी प्रभुजियों को भोजन प्रसादी कराई। मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला उपाध्यक्ष भाजपा धौलपुर दिनेश बागथरिया, अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश आर्य, अपना घर आश्रम के राष्ट्रीय सचिव सुनील गर्ग, अपना घर आश्रम उपाध्यक्ष मनीष मित्तल, पूर्व जिला अध्यक्ष ताराचंद गोयल, विधानसभा विस्तारक बाड़ी शहर गिरधारी सिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष बिजौली भाजपा रामवीर सिंह गुर्जर, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष भाजपा रामप्रसाद गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष बाड़ी शहर भाजपा दिनेश मामा, नरेश यादव, महामंत्री भाजपा बाड़ी शहर महेश कुशवा, रणवीर सिंह हप्पू, मदन कोली, रविंद्र सिंह गुर्जर और महिला मोर्चा अध्यक्ष बाड़ी शहर केसर कुशवा, शिप्रा गर्ग, रेणु सिंगल, विमला गर्ग, उषा गर्ग आदि मौजूद रहे। अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि, बैठक में कुरीतियों को त्यागने पर दिया जोर। वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति धौलपुर के तत्वावधान में धूलकोट महामाया मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में बुधवार को सेना और दहशतगर्दों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धोनके, कर्नल मनप्रीत सिंह एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप ने कहा कि समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति सभी को जागरूक करें, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, मद्यपान इत्यादि पर रोक लगाई जाए। प्रताप कश्यप ने मार्केटिंग से जुड़े स्वरोजगार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी का मोह त्याग कर मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय में अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियों में रोजगार के अनेकों बेहतर अवसर हैं। पार्षद एवं अधिवक्ता मुकेश कुमार निषाद ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विविध जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक को देवी चरण निषाद, जगदीश कश्यप, अनिल गंगाराम, माखन निषाद ने भी संबोधित किया। सहकारी बैंक में कार्यरत गोपाल मोहन कश्यप ने कृषि क्षेत्र में बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विविध कृषि ऋण और बैंक द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी संबंधी जानकारी प्रदान की। बैठक की अध्यक्षता विजय कश्यप शिक्षा विभाग द्वारा की गई और संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप के द्वारा किया गया। कोतवाली पुलिस ने विवादित जमीन से हटवाया अतिक्रमण। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार शाम को रेलवे स्टेशन के पास की विवादित जमीन से अतिक्रमण को हटवाया। पुलिस की मौजूदगी में 2 JCB मशीन की सहायता से 1000 वर्ग गज भूमि पर भूमि स्वामियों को कब्जा कराया गया। रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। भूमि मालिक ने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी, जिस सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवादित जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। चौकी प्रभारी ने बताया कि करीब 1000 वर्ग गज भूमि पर 4 प्लॉट थे, जिन पर 4 लोगों ने अपना अपना दावा पेश किया था।
विवादित जमीन को अपना बताते हुए पीड़ित पक्ष में कोतवाली थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल करने के बाद जमीन को अतिक्रमियों से मुक्त कर लिया गया है। विवादित जमीन से जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाने के बाद मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विवादित जमीन के चारों ओर जेसीबी की सहायता से खुदाई कराई गई है, वहीं अतिक्रमण करने वाले आरोपियों को पाबंद किया गया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का बाड़ी में हुआ शुभारंभ, स्कूली बच्चों ने दी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज मेला ग्राउंड में किया गया। नगर पालिका बाड़ी एवं बेसिक्स टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किड्स पैराडाइसर सीनियर सेकेंडरी श्री अग्रसेन विद्यापीठ एवं नेवी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा स्वच्छता की प्रस्तुति दी गई। अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने उपस्थित मंचासीन नगरपालिका अध्यक्ष एवं पार्षद गणों सहित शहरवासियों का ध्यान आकर्षण किया। उपस्थित स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षकों बच्चों के अभिभावकों ने भी स्वच्छता के बारे में अपने विचार रखे और नगरपालिका के पार्षद अमर सिंह पोस्टपाल द्वारा सफाई मित्रों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की एवं आम जन से अपील की सफाई मित्रों के कार्य में सहयोगी बने, खुले में कचरा ना फेंके। बाड़ी नगरपालिका अध्यक्ष होतम सिंह व सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता से जोड़ना व मिलजुल कर अपने शहर को साफ व स्वच्छ रखना बताया गया। सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिवहरे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और स्वच्छ भारत मिशन के पूरे 9 साल की सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया। कार्यक्रम का संचालन बेसिक्स टीम के कवि शाश्वत द्वारा किया गया, जिसमें नगरपालिका चेयरमैन होतम सिंह, पार्षदगण अमर सिंह पोस्टपाल, विनोद शर्मा, अरविंद कुशवाहा, सुदामा जगन्नाथ, जसवंत सिंह, मुकेश कोहली, हजारी लाल व महाराज सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता इच्छा पूर्ति फाउंडेशन से रामकुमार चौधरी एवं किड्स स्कूल के संस्थापक सुनील बंसल, अग्रसेन स्कूल से अध्यापक, नेवी स्कूल के संस्थापक दारा सिंह व नगर पालिका के सफाई मित्र आदि मौजूद रहे। राधा रानी हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा में एक विश्वसनीय अस्पताल। हॉस्पिटल में सुविधाएं पित्त की थैली पथरी का ऑपरेशन, गुर्दा नली व पेशाब की थैली का ऑपरेशन, बवासीर भगंदर और हार्निया का ऑपरेशन, बच्चेदानी का बिना टांके व टांके वाला ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया पॉइजन हैंगिंग अस्थमा कार्डिक डायबिटीज आदि का भी उचित उपचार किया जाता है। हम चाहते हैं भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, लेकिन जरूरत पड़े तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज MBBS MD फिजिशियन, पता जगदीश टॉकीज के पास बाड़ी रोड धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक, तो पेश है वाटर वीट टैंक जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वील टैंक, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार, ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वी टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। युवा समाज सेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे बोहरा। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने की शिरकत। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा एवं विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन एवं ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोषवाल ने की। विधायक रोहित बोहरा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा आज देश का भविष्य है, उन्हें समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय होना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोषवाल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद से लगातार युवाओं के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक कार्य कर रही है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना है,
आज के दौर में युवा से अच्छा संदेश वाहक और कोई नहीं है। ब्लॉक महासचिव ने कहा कि हमें बाढ़ और बूथ पर एक नई ताकत के साथ अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। इस मौके पर संतोष सिंगल, विजय, निक्की, रामनिवास चौधरी, सुमन अख्तर खान, दिनेश कुशवाहा, लाखन लोधा, बाबू खान, उत्तम लोधा, सतीश गुप्ता, वैभव गोयल, प्रताप कुशवाहा, अक्षय गुर्जर आदि मौजूद रहे। मंगलवार से शुरू होंगे जैन समाज के 10 लक्षण पर्व। जैन समाज के संयम और आत्मशुद्धि का महापर्व 10 लक्षण पर्व 19 से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। जैन धर्म में 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्म की पूजा अर्चना होगी। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि यह सभी आत्मा के धर्म है। 10 लक्षण महापर्व में त्याग, संकल्प और आराधना पर विशेष जोर दिया जाता है। 10 दिनों में उपवास किए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना धार्मिक कार्यक्रम होती है। पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, धर्मशाला स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन जिनालय, चैत्यालय को भव्यता पूर्वक सजाया गया है। 10 लक्षण महापर्व के आयोजन परम पूज्य प्रतिष्ठाचार्य सन्मति शास्त्री के सानिध्य में संपन्न होंगे। इस पावन पर्व की शुरुआत 19 सितंबर मंगलवार से होगी। प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की पूजा होगी। 24 सितंबर को धूप दशमी तथा 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी समापन होगा। बाबू महाराज के लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धौलपुर जिले के वसई नवाब क्षेत्र के चितौरा में बाबू महाराज के मंदिर पर लक्खी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। लोक देवता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए तथा खीर और बूरे का भोग लगाकर माथा टेकते हुए मनोती मांगी। अनेकों कांवरियों ने भी पहुंचकर यहां बाबू महाराज को गंगाजल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस मेले में दूर दराज के क्षेत्र से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मेले का भी लुफ्त उठाया। सफेद दाग और कुष्ठ रोगों को लेकर बाबू महाराज की बड़ी मान्यता है। गुर्जर समाज के द्वारा बाबू महाराज को अपना आराध्य माना जाता है। हालांकि क्षेत्र में प्रत्येक घर घर में बाबू महाराज की मान्यता है। दौज के दिन दूध को बेचने की बजाय घर में खीर बनाई जाती है, उसका बाबू महाराज को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर परिसर में बने कुंड के पानी में नहाने और बाबू महाराज की खीर और बूरे का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर सच्चे मन से अर्जी लगाने वाले भक्त की बाबू महाराज पुकार सुनते हैं। रात्रि के समय यहां ज्योति के रूप में बाबू महाराज के साथ साथ दर्शन भी होते हैं। मंदिर भगत के रूप में यहां लोक देवता भक्तों की अर्जी सुनते हैं और उनको आशीर्वाद दिया जाता है। इसी को लेकर सुबह से बड़ी संख्या में पहुंचे लोग तथा पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा कुंड में स्नान कर रोगों से निजात की कामना की गई। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में कई जगह लेवड़ा पुरा तथा बाड़ी मार्गों पर बने बाबू के स्थान पर भी मेले का आयोजन हुआ, जहां दिन भर भक्तों का पहुंचना बना रहा। इस दौरान व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा है। नव चयनित अध्यापकों का ग्रामीणों ने किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कुशवा गुर्जरा खुर्द गांव में नव चयनित अध्यापकों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर जपावली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच केशव सिंह कुशवा, ठेकेदार विष्णु, राजपाल सिंह उप सरपंच, गंगाधर भगत, राजीव कुशवा, हेत सिंह और सुशील कुमार आदि ग्रामीणों ने नव चयनित अध्यापकों का माला पहनाकर स्वागत किया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, लैब एक्सरे दवाओं की सुविधा, 24 घंटे नसों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क एवं साइटिका का सफलतम उपचार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया बाय का सफलतम उपचार, जनजात विकृतियों, टेढ़े पैर और फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीक से उपचार, कुल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड अस्पताल, भर्ती के लिए उच्च स्तरीय वार्ड SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भाजपा समर्थकों ने मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। धौलपुर जिले के तसीमों में भाजपा समर्थकों ने फौजी गार्डन में एकत्रित होकर मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी के जयकारे लगाए। इस मौके पर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी, अग्रवाल सहायता समिति तसीमो, कोषाध्यक्ष मुरारीलाल मित्तल आदि समर्थकों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। सोमवार से काले कपड़े पहनकर ड्यूटी करेंगे कर्मचारी।
राज्य सरकार की संवादहीनता एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर नकारात्मकता तथा नीतिगत दस्तावेज के कर्मचारी कल्याण का एक भी बिंदु लागू नहीं करने के विरोध में आक्रोशित कर्मचारियों ने दिया धरना। उन्होंने बताया कि महासंघ के आह्वान पर 18 सितंबर से विरोध स्वरूप कर्मचारी काले कपड़े पहनकर ड्यूटी करेंगे। 24 सितंबर को जिला मुख्यालय पर काले कपड़े पहनकर आक्रोश वाहन रैली निकालेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में काले कपड़े पहनकर आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर रविन्द्र कुमार व्यास, राधा कृष्ण शर्मा, राम भरत गुर्जर, श्रीमान सिंह गुर्जर, ब्रजमोहन शर्मा, जगदीश शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, कुलदीप दीक्षित, गैनालाल त्यागी आदि मौजूद रहे। फैला रहा था ध्वनि प्रदूषण, पुलिस ने धर दबोचा। धौलपुर जिले की सैंपू थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण मामले में कार्रवाई करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि सैंपू इलाके में बिना लाइसेंस व परमिशन के तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए बसेड़ी त्राहा सीएससी सैंपू के पास से दीपू पुत्र रामनाथ ब्राह्मण निवासी हॉस्पिटल के सामने सैंपू को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 4 बड़े स्पीकर बॉक्स काले रंग के, सामने गाड़ी में टूल पर 2 बड़े स्पीकर बॉक्स, 1 तख्त लकड़ी का जिस पर म्यूजिक मशीन, 3 बड़ी वाली, 1 जनरेटर, 1 स्टेबलाइजर, लकड़ी का बिजली का बोर्ड, 1 मेमोरी कार्ड को भी जब्त किया है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।